दोस्तों ये मेरे पास हाइपर कंपनी का जापान टेक्नोलॉजी सीरीज में HP CC-60B ये मॉडल का कंट्रोलर सोल्डर आया है हमारे पास रिपेयर होने के लिए। मैंने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद इसमें ये नट बोल्ट और ये जो वाइसर वगैरह निकले, इसके बाद इसके जो है इस नीचे वाली पट्टी वो भी बहुत भारी है, ठीक है। 60 एम्पीयर का कंट्रोलर है ये। उसको मैंने ऑलरेडी खोल लिया है। इसमें फॉल्ट ये है कि ये चलता नहीं, ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। मैंने इसको खोल कर चेक किया बोर्ड वगैरह, तो उसमें जंग आया, बोर्ड भी नहीं है। बोर्ड बिल्कुल साफ क्लियर लगा पड़ा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर ही। इसका बोर्ड बहुत फ्रेश लगा पड़ा है और इसके पीछे जो आयर लगे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, अच्छे वाले आयर लगे हुए हैं। और ये पायदार है चार्जर जो है कंट्रोलर, वो पायदार है। अभी मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराऊंगा। ये देखिए मैंने बोर्ड के अंदर सप्लाई दे दी है इसकी, ठीक है। सप्लाई देने के बाद मैं यहाँ पर आपको वोल्ट चेक कराऊंगा पहले कि यहाँ पर वोल्ट जो है बन रहे हैं कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट इसके आ रहे हैं, ठीक है। ये बड़े प्रोजेक्टों में लगा हुआ होता है कंट्रोलर। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 एम्पीयर का चार्जर है, ठीक है। और 12 वोल्ट या 24 वोल्ट इनपुट हो सकता है इसके अंदर। मैंने 12 वोल्ट इसके अंदर दिए हैं, आप देख लें। ये 12 वोल्ट मैंने इसके अंदर दिए हैं और ये 12 वोल्ट इसके अंदर आ रहे हैं, मगर ये फिर भी ऑन नहीं हो रहा। इसके अंदर कोई भी फटी हुई चीज़ नहीं दिख रही, ना ही कोई लाइन वगैरह बस्ट हुई पड़ी है, ना ही कोई फ्यूज़ वगैरह ख़राब है। सारा मैंने चेक किया है, आप भी चेक कर सकते हैं तो वन बाय वन, ठीक है। अभी हम इसके फॉल्ट में चेक करेंगे, फॉल्ट इसमें कौन सा है। वीडियो लास्ट तक लाजमी देखा, चैनल पर न्यू चैनल सब्सक्राइब, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अभी हम इसका फॉल्ट टेस्ट करेंगे, देखते हैं क्या फॉल्ट इसके अंदर निकलता है, ठीक। अभी मैं आपको वोल्ट फिर से चेक करा देता हूँ दोस्तों, और देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या निकलती है। प्रॉब्लम बहुत ईजी है, मैंने ट्रेस्ट कर लिया, आपको मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा आपका भी नहीं करूँगा, मेरा भी नहीं करूँगा। मैं आपको फॉल्ट बता देता हूँ ये कौन सा फॉल्ट इसके अंदर है। आपको मैं ये वोल्ट भी चेक करा दूँगा, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये वोल्ट 12 वोल्ट इसके अंदर आ रहे, ठीक है। यहाँ पर देखें 12 वोल्ट इसके अंदर आ रहे, ठीक। और ये इसका फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज लगा हुआ अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वोल्ट बन रहे हैं, ठीक। यहाँ पर वोल्ट चेक करें, यहाँ पर बन रहा है, फ्यूज इनपुट और आउटपुट दोनों कर रहा है, ठीक है। फ्यूज यहाँ पर वोल्ट दे रहा है, आउटपुट भी वोल्ट इसके दे रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आउटपुट वोल्ट भी इसके जा रहे हैं, यहाँ पर भी इसके वोल्ट बन रहे हैं, ठीक। इनपुट कितने वोल्ट आ रहे हैं इसके, 12 वोल्ट। तो ये चार्जिस्टर जो लगा हुआ है, मोस्टफिट लगा हुआ है BC P55 ये लगा हुआ है। ये आउटपुट देखें, वोल्ट बन नहीं निकाल रहा। यहाँ पर देखें, ये वोल्ट जो आउटपुट नहीं कर रहा। अगर हम थोड़ा सा इसको मिला कर चेक करेंगे, तो थोड़ा सा हम ये फ्यूज को मिला कर चेक करेंगे तो आपको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं मिलाने लगा हूँ ये वाले कनेक्शन से। ये देखें दोस्तों, ये चालू हो चुका होगा, ये देखें चालू हो चुका है, ठीक। इसको मैं निकालता हूँ, यहाँ पर ये जो है बंद हो जा रहा है। इसका जो फॉल्ट है वो फिलहाल इसके अंदर है। मैं ये कनेक्शन कटआउट करता हूँ, ये मॉस्फेट में दूसरा निकाल के चेक करता हूँ कौन सा मॉस्फेट इसके अंदर लगेगा, क्योंकि हम पहले हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट करने की वजह ये है कि इसमें पता नहीं कितने वोल्ट अंदर जा रहे हों सिस्टम की तरफ, ठीक। यहाँ पर इनपुट जो है 12 वोल्ट आ रहे हैं, आउटपुट कितने हो रहे हैं वो हमें पता है, एग्जिट नहीं है। और ये पता लगाने के लिए हमें जो है मॉस्फेट चेंज करना पड़ेगा और इसमें अपनी जगह पर दूसरा जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर हम 12 वोल्ट उसके अंदर डायरेक्ट दे देंगे तो क्या पता आईसी जो है कितनी देर चले, इसके बाद ये जल जाए, तो हमें मॉस्फेट लगाना लाजमी हो गए। तो ये मॉस्फेट, ये BC P55 मॉडल का नंबर लिखा हुआ है ये वाला, तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक। ये मैंने अभी निकाल लिया है, अभी मैं इसके अंदर 3.3 का लगा के चेक करूँगा पहले। अगर 3.3 का सही से चल रहा है तो सही है, नहीं चलेगा तो फिर हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास 3.3 का काम चला गया, ठीक है। मैं इसका दूसरा लगा लेता हूँ ये। हमारे पास मॉस्फेट है 3.3 का, इसको हम पहले कनेक्शन करके उसके बाद चालू करेंगे। ठीक हो गया, अभी मैं इसको चालू करता हूँ पावर देके। तो दोस्तों ये देखें अभी चालू हो चुका है। इसका मकसद है यहाँ पर जो आउटपुट कनेक्शन चाहिए थे वो 3.3 के चाहिए थे,
तो मैं इसको फिर से बंद करता हूँ। और ये कनेक्शन ऊपर वाला जो तार थी वो मैंने लगाई नहीं थी, अभी मैंने लगा दी है चेक। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने 3.3 का कनेक्शन दिया है और वोल्ट आपको चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखें मैंने यहाँ पर अर्थ दिया और यहाँ पर आउट की जगह पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 2 वोल्ट निकाल रहा था, अभी जो है 12 वोल्ट इसके आउटपुट करना है जो शुरू हो चुका है। ठीक है, तो इसका मकसद ये जो सिस्टम इसके अंदर आईसी जो लगी हुई है, यहाँ पर आईसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आईसी जो लगी हुई है वो 3.3 की जगह पर नहीं, यहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तो ये जो मॉस्फेट होता है वो ऑटो होते हैं, मॉस्फेट जो होता है वो ऑटो होते हैं, जितने वोल्ट आगे की जरूरत होती है उतना वोल्ट ये बना कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी जो है 12 वोल्ट इसके पास शेयर कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी ओके हो चुका है, अभी हम इसको कर देते हैं बंद क्लोज। शुक्रिया दोस्तों।